सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि इस मॉनसून आप टेस्टी क्रिस्पी पकौड़े घर पे कैसे बना सकते हैं, वो भी बिना बेसन के। आज हम पकौड़े बनाएंगे चने की दाल से। यहाँ पे मैंने एक कप यानी कि 100 ग्राम चने की दाल ली है, साथ ही 2 टेबल स्पून बिना छिलके वाली मूंग दाल ली। इन दोनों को मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था और इसे अच्छे से 4 से 5 बार पानी से वॉश किया। इसी के साथ हमें चाहिए 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 3 से 4 हरी मिर्चें। चलिए सबसे पहले हम करेंगे दाल को ग्राइंड। यहाँ पे मैंने लिया है ग्राइंडर जार, इसमें मैं डाल रही हूँ भिगोई हुई चने की दाल, पानी हमें नहीं डालना है। यहाँ पे चने और मूंग की दाल मैंने डाल दी है, साथ ही मैंने डाला 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 हरी मिर्चें। जार को कर रही हूँ बंद, इसे करेंगे अच्छे से हम ग्राइंड। पकौड़े बनाने के लिए हमें यहाँ पे दाल का फाइन पेस्ट चाहिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं दाल अभी दरदरी पिसी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा दाने हैं तो ये ऐसे नहीं पिसेगी। इसमें थोड़ा सा पानी हमें डालना होगा, लेकिन अगर हम पहले पानी डाल देते दाल अच्छे से ग्राइंड नहीं होती। एक बार आप इसे बिना वाटर के ग्राइंड करें, उसके बाद इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच पानी डालें और इसे अच्छे से फाइन पेस्ट होने तक ग्राइंड कर लें। ये देखिए, देख सकते हैं आप, दाल बिल्कुल अच्छे से यहाँ ग्राइंड हो चुकी है। यहाँ पर बिल्कुल मामूली से इसमें सूजी के जैसे बारीक दाने हैं, तो बस यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दाल की। और इतनी थिक दाल आपको ग्राइंड करनी है, ये देखिए, क्योंकि दोस्तों ये बेसन के पकौड़े नहीं हैं, ये चने और मूंग के दाल के पकौड़े हैं। तो अगर हम इसे पतला कर देंगे तो पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। आधा छोटा चम्मच मैंने नमक डाला, 1/4 छोटा चम्मच काली कलौंजी और 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने इस तरीके से पतले पतले लंबे स्लाइसेस में काटा है। इन सबको करूँगी अच्छे से मिक्स। और अब हम 5 मिनट तक इसे फेंटेंगे। तेल मैंने गरम होने रखा है, जब तक तेल गरम होता है बस तब तक हम इसे अच्छे से इस तरीके से चम्मच से फेंट लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, पकौड़े जो बनेंगे वो काफ़ी अच्छे बनेंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे और ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप इस स्टेप को स्किप कर देंगे तो पकौड़े फिर उतने अच्छे नहीं बनेंगे। और दोस्तों, अदरक इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से डालनी है, 1 कप दाल में 2 इंच अदरक का टुकड़ा। तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म है, अब हम यहाँ पे इसके छोटे छोटे पकौड़े डालते जाएंगे इस तरीके से। अच्छे गर्म तेल में ही हमेशा पकौड़ों को आप फ्राई करें। अगर कम गर्म तेल में आप पकौड़े डालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे सारे पकौड़े मैंने डाल दिए हैं, इसे हम तुरंत नहीं छेड़ेंगे, 1 मिनट के बाद हम इसे टर्नर से अच्छे से चला लेंगे। कभी भी पकौड़े डालने के बाद तुरंत आप इसे ना छेड़ें, पहले से थोड़ा सा नीचे से पकने दें। जैसे ही ये पक जाते हैं ये ऊपर आ जाते हैं, यानी कि ये तेल पे फ्लोट करने लगते हैं, बस उस समय आप इसे टर्नर से पलट दें इस तरीके से। मैंने इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई किया है, इनमें अच्छा गोल्डन कलर भी आ चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। काफ़ी जल्दी बन जाते हैं दोस्तों ये पकौड़े और खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। चाय के साथ आप इन पकौड़ों को ट्राई ज़रूर करें, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। इसी तरीके से मैं सेकेंड बैच पकौड़ों का फ्राई कर लेती हूँ। जब आप पकौड़े डाल रहे हो उस टाइम पे आप फ्लेम को लो रखें, क्योंकि तेल ऑलरेडी गर्म है। तो अगर हम हाई फ्लेम पे पकौड़े डालेंगे तो वो ज़्यादा सिक जाएंगे, तो इसीलिए जब आप सेकेंड बैच पकौड़ों का फ्राई करें तो फ्लेम को लो कर दें और जल्दी जल्दी पकौड़े डालें, उसके बाद फ्लेम को हाई करें और हाई फ्लेम पे इसे गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। ऐसा करने से पकौड़ों में अच्छा कलर भी आएगा और वो क्रिस्पी भी बनेंगे। ये देखिए दोस्तों, सेकेंड बैच भी यहाँ पे मैंने डाल दिया है। ऑयल इस तरीके से इनके ऊपर मैं चढ़ा रही हूँ, नीचे से पक चुके हैं, इन्हें मैं पलट रही हूँ। ये देखिए, सेकंड बैच पकौड़ों का अच्छे से फ्राई हो गया है, इनमें भी गोल्डन कलर आ चुका है और ये भी क्रिस्पी हो गए हैं। बस दोस्तों, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप दाल के पकौड़े बनाएं, दाल को 3 घंटे पहले भिगोएं जरूर, उसके बाद इसे अच्छे से धो के इसमें खूब सारी अदरक और हरी मिर्च डाल के इसे ग्राइंड करें। पेस्ट बिल्कुल फाइन होना चाहिए, लेकिन थिन पेस्ट हमें नहीं बनाना, तभी आपके पकौड़े बनेंगे क्रिस्पी और टेस्टी। तो इसी तरीके से दोस्तों, आप सब भी अपने घर पे इस मॉनसून दाल के पकौड़े बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब